ਖਾਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਾਈ ਕਿਨ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत आफियत से होंगे। आज मैं कुल्फा और गोश्त की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत मज़े का और बहुत मज़े का ये बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ हड्डी वाला गोश्त आधा किलो लिया है, जो कि ये बहुत हड्डी वाले गोश्त में आप पकाएंगी तो बहुत मज़े का ये बनेगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने ये दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, तीन मैंने टमाटर लिए हैं, दो टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का लिया है, दो टीस्पून मिर्चों के लिए हैं, दो टीस्पून सूखा धनिया, दो टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून नमक का लिया है। कुल्फे के पत्ते मैंने तोड़ के इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद तीन चार जब इसके बॉईल आ जाए तो इसको आपने पानी से निकाल लेना है। आधा किलो गोश्त में एक ये जग पानी का आपने डाल देना है, क्योंकि ये थोड़ा बीफ है ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये मैं अब इसमें गोश्त डाल रही हूँ। ये अदरक लहसुन के साथ प्याज, और ये सारी इसमें इंग्रेडिएंट चले जाएंगे। ये सारे मसाले डाल के अब इसको मैं हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूंगी। जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा इसमें टमाटर डाल के इसको मैं भून लूंगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब ये आधा घंटा गलने में लगेगा। जब ये आधा थोड़ा सा इसमें पानी रह जाएगा उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। जी व्यूअर्स, अब मैंने एक घंटा रखने के बाद गोश्त जो है ना बड़ा अच्छी तरह से गल गया। ये देखे थोड़ा सा है अभी, मगर अभी इसको मैंने भूनना है। इसमें टमाटर, अब टमाटर डालूंगी साथ में। इतना पानी आपने रखना है इसमें। ये टमाटर डालने हैं, थोड़ी सी आंच हल्की इसकी और तेज कर लेनी है। उसके बाद इसमें एक कप के करीब ऑयल डालना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल जरा ज्यादा डलता है, एक कप के करीब ऑयल डाल देना है। अब इसको आपने भूनना है तेज आंच पे ना, इसको आपने भूनना ताकि टमाटर भी इसमें अच्छे से गल जाए। जी जब ये पानी अच्छी तरह इसका खुश्क हो जाए, टमाटर गल जाए और इसको आपने अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। देखिए अभी हम लोग इसको भून रहे हैं, हल्का हल्का तो ऊपर से घी आ रहा है, मगर अभी नहीं, अभी छोड़ना इसको। जब तक अच्छी तरह ये भून नहीं जाएगा अभी अच्छी तरह भुना नहीं है। जब ये घी पूरी तरह ऊपर आ जाएगा और मसाला जो है ना गोश्त के साथ चिपक जाए तो ये आप समझ लीजिए भून गया। अभी भून रहा है ना ये देखें बहुत अच्छे से ये अब भून गया। घी भी ऊपर आ गया और मसाला भी बड़ी अच्छे से भून चुका है। अब ये देखें मैंने ये जो बॉईल किया हुआ था कुल्फा उसको मैंने छान के पानी से अलग कर लिया। अब मैं इसको ना गोश्त में मिक्स करने लगी हूँ और इसको हम लोगों ने भूनना इसमें रखा। इसमें पानी है, अब इसको तेज आंच पे ना आप लोगों ने इसको भूनना है। इतना भूनना है कि जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए आपने इसको भूनना है। ये आप मेरी एक टिप याद रखें हमेशा, ये जो डिश होती है ना पालक हो गई और ये कुल्फा हो गया, ये चर्बी और हड्डी वाले गोश्त में मजे का ज्यादा बनता है। तो आप इसको हड्डी वाला और थोड़ी सी चर्बी वाले गोश्त में पकाइएगा। देखिए मैंने कुल्फा जो डाला था ना उसने वो पानी छोड़ दिया है, तो अब इसको तेज आंच पे हम लोगों ने इसको बिल्कुल खुश्क करना है और भूनना है इसको। जी व्यूअर्स देखें ये भूनने 15-20 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। भूनने के बाद इसकी ये देखें घी भी निकला है और अच्छी तरह ये भून भी गया है। जब ये स्टेज पे ये आ जाए तो आपने इसकी जो फ्लेम है ना वो बंद कर देनी है और इसको आपने उबले हुए चावलों के साथ या चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ उबले हुए चावलों के साथ तो इसका बहुत मजा आता है।
तो ये अब बिल्कुल रेडी है, तो मैं अब इसका ना फ्लेम बंद कर देती हूँ और डिश आउट करती हूँ।